जहां पूरे देश में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, वहीं हरियाणा के करनाल में भी 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया। आपको बता दें कि नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा नगर निगम कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मजदूरों के लिए कुर्बानी देने वाले योद्धाओं को नमन किया गया, साथ ही उनकी कुर्बानी को याद भी किया गया। नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान वीर भान बिडला ने बताया कि 1 मई को पूरे देश में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में करनाल में मजदूर संगठनों द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जानकारी देते हुए बताया गया कि यह संगठन समय समय पर सरकार द्वारा कर्मचारियों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाता रहता है, इसी उद्देश्य को लेकर मजदूर दिवस मनाया जाता है। उन्होंने मौजूदा हरियाणा सरकार द्वारा कर्मचारियों के साथ किए गए दोगले व्यवहार के बारे में आपत्ति उठाते हुए कहा कि सफाई कर्मचारी कोरोना योद्धा की तरह कार्य कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने सिर्फ 10 लाख रुपए का बीमा सफाई कर्मचारियों को करवाया है, जो ऐसे कर्मचारियों के लिए बिल्कुल जायज नहीं है। इस दौरान उन्होंने भी 50 लाख का बीमा करवाने की मांग की है। वहीं कर्मचारियों ने सरकार द्वारा DA एवं PF में कटौती करने की बात को अनुचित बताया है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। जो एक मजदूर दिवस की जो स्थापना हुई थी 1 मई को 1886 में, जो उसके उपलक्ष में जिन्होंने इसमें कुर्बानियां दी, जिन्होंने गोलियां खाई, जेड़ा काटी, उनको सलाम करने के, उनको श्रद्धांजलि देने बारे, इसीलिए हर साल हर वर्ष ये मजदूर इकट्ठा होकर के उनको सलाम करता है, नमन करता है। और आज उन्हीं के कारण ये आज यूनियना जो चल रही हैं पूरे राष्ट्र में, ये उन्हीं की कुर्बानियों के कारण है। और हम उनको फिर से नगर पालिका कर्मचारी संघ उनको लाल सलाम करती है, उनको नमन करती है। जय संघर्ष, जय हिंद। आज जो मई दिवस, जो 1 मई को जो आप पूरे देश में जो मनाते हैं मजदूर दिवस जिसको कहते हैं, वो अपने अधिकारों की रक्षा करने के बारे, यूनियन को कायम रखने के बारे, जो सरकारें समय समय पर जो अपने फैसले थोपती है, जैसे ये अभी हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है भाई DA की किस्त बंद करने, कर्मचारियों की DA की किस्त बंद करें और इनके LTC बंद करें और इनका जो PF का पैसा वो भी मतलब निकालने की बात जो सरकार कर रही है। नगर पालिका कर्मचारी संघ इसका विरोध करती है और जब तक इस फैसला सरकार वापस नहीं लेता तो इसमें आगामी जो भी फैसला होगा, जो भी मीटिंग करके जो संघ फैसला लेगा तो उसमें हमें मंजूर होगा। और समय समय पर हम सभी कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और जो सरकार ने जो फैसला लिया है भाई 50 लाख का बीमा, हम चाहते हैं भाई नगर पालिका कर्मचारी के जो साथी हैं, जो सिपाही सैनिक जिनको आज जो लोग कह रहे हैं, वो उनका भी 50 लाख का सरकार बीमा कराए। ये 10 लाख का बीमा जो सरकार ने करा, ये दोहरी नीति है, ये दोगली नीति है, हम इसका विरोध करते हैं। आपका भी बीमा 10 लाख का है? फिलहाल 10 लाख का है। हम मांग करते हैं 50 लाख के बीमे की। जो नए वीर भान बिडला, इकाई प्रधान, नगर पालिका कर्मचारी संघ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.